गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ सीमा आई विल बी टीचिंग कंप्यूटर ऑफ क्लास वन सबसे पहले अपना बुक देखिए आई टी स्पार्क क्लास वन का कंप्यूटर बुक है ये अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर पढ़ने से पहले हम तो ले कि कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं तो मॉनिटर सी पी यू माउस कीबोर्ड यू पी एस मॉनिटर इज अ लुक लाइक अ टेलीविज़न मॉनिटर जो है वो टेलीविजन की तरह दिखता है ठीक है सीपीयू यू इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू यू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है माउस माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस माउस क्या है पॉइंटिंग डिवाइस है इससे हम क्लिकिंग करते हैं कीबोर्ड कीबोर्ड इज यूज फॉर टाइपिंग कीबोर्ड के यूज़ से हम लोग क्या करते हैं टाइपिंग करते हैं ठीक है अब हम बुक में देखते हैं देखिए ये कंटेंट्स है कंटेंट्स में क्या होता है हमें बुक में जितना भी चैप्टर पढ़ना है वो इसमें इंक्लूड होता है टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है हमें टोटल सिक्स चैप्टर पढ़ना है ठीक है और फर्स्ट चैप्टर क्या है कंप्यूटर और डिजिटल मशीन मशीन इज कंप्यूटर इसमें हम किसके किसके बारे में पढ़ेंगे मशीन के बारे में और इज कंप्यूटर यानी कंप्यूटर क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसके लिए कुछ नोट्स है वो आप देखिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में ठीक है वन बाई वन देखते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है मशीन मेक आवर वर्क ईजियर मशीन जो है हमारे काम को आसान कर देता है नेक्स्ट पॉइंट है मैनुअल मशीन वर्क विथ एनिमल और ह्यूमन पावर मैनुअल मशीन जो है वो वर्क एनिमल और ह्यूमन पावर से करता है ऑटोमेटिक मशीन रन ऑन फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिक मशीन जो है वो कैसे रन करता है फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी पे नेक्स्ट है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर आर ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक डेस्कटॉप टॉप पी सी ऑल इन वन कंप्यूटर लाइक टैबलेट लैपटॉप स्मार्टफोन देखिए कंप्यूटर जो है वेरियस टाइप्स का ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप टैबलेट स्मार्टफोन ठीक है अब हम बुक में देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है कंप्यूटर अ डिजिटल मशीन डियर चिल्ड्रेन डू यू नो फर्स्ट मैन कैन इन्वेंस इन्वेंटेड व्हील सबसे पहले किसका अविष्कार हुआ था व्हील का व्हील इंस्पायर द इन्वेंशन ऑफ मशीन और व्हील से प्रेरित होकर मशीन्स का भी अविष्कार हुआ टुडे वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन अराउंड अस और आज हमारे तरफ बहुत सारे टाइप्स के मशीन्स हैं हमारे चारों ओर वॉट इज मशीन मशीन इज अ गैजेट डेट मेक आवर वर्क इजियर मशीन जो है एक गैजेट है जिससे हम अपने काम को आसान तरीके से कर सकते हैं इट मेक आवर वर्क फास्टर इससे हम अपने काम को जल्दी भी कर सकते हैं इट मेक इट ए मशीन सेव आवर टाइम एंड एनर्जी मशीन जो है हमारे समय और इनर्जी को भी बचाता है लेट्स सी वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन एंड हाउ डे हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ देखिए मशीन हमारे डेली लाइफ में कैसे यूजफुल है सबसे पहले है मैनुअल मशीन मैनुअल मशीन वर्क विथ ह्यूमन और एनिमल पावर मैनुअल मशीन जो है वो एनिमल और ह्यूमन पावर के हेल्प से वर्क करता है सबसे पहले हम एग्जांपल में देखते हैं अ कार्ट इज बाय एनिमल कार्ट देखिए किसके हेल्प से वर्क कर रहा है एनिमल के हेल्प से वर्क कर रहा है इसमें यानी कि एनिमल का पावर लग रहा है अब यहाँ देखिए सीजर आर वर्क बाय हैंड सीजर किसके हेल्प से वर्क कर रहा है हैंड के हेल्प से वर्क कर रहा है यानी इसमें ह्यूमन पावर लग रहा है ऑटोमेटिक मशीन सम मशीन यूज पावर टू वर्क सच मशीन आर कॉल ऑटोमेटिक मशीन मशीन गेट पावर फ्रॉम फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी देखिए ऑटोमेटिक मशीन कैसे वर्क करता है ये ये फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से वर्क करता है जैसे देखिए कार हेलीकॉप्टर स्कूल बस बाइसिकल सीप ये सब कैसे वर्क करता है फ्यूल के हेल्प से देखिए कार हेलीकॉप्टर मोटरसाइकिल स्कूल बस एंड सीप और ड्रेवन बाय फ्यूल ये सब किसके हेल्प से चलता है फ्यूल के हेल्प से चलता है फ़ैन रेफ्रिजरेटर टेलीविजन कंप्यूटर एंड वॉशिंग मशीन वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है देखिए फैन वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है रेफ्रिजरेटर टेलीविजन कंप्यूटर ये सब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ठीक है अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मैनुअल मशीन एंड ऑटोमेटिक मशीन अ मैनुअल मशीन वर्क बाय फिज़िकल इफ़र्ट मैनुअल मशीन जो है वो वर्क करता है फिजिकल इफर्ट ठीक है एंड ऑटोमेटिक मशीन डज नॉट नीड एनी फिजिकल इफर्ट फॉर इट्स फंक्शनलिटी ऑटोमेटिक मशीन को वर्क करने के लिए कोई फिजिकल इफर्ट का जरूरत नहीं है सेकेंड पॉइंट है मैनुअल मशीन डज नॉट नीड एनी फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी मैनुअल मशीन जो है वो फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी का उसमें कोई जरूरत नहीं है एंड ऑटोमेटिक मशीन नीड द फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क लेकिन ऑटोमेटिक मशीन में फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है वर्क करने के लिए देखिए इट कैन नॉट वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज इट वर्क ऑन मैन पावर ये जो है लगातार काम नहीं कर सकता है लॉन्ग टाइम तक क्योंकि इसमें मैन पावर लगता है ठीक है इट कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम कंटिन्यूसली ये जो है वो कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम तक वर्क कर सकता है देखिए एग्जाम्पल में देखिए बाइसिकल शार्पनर देखिए बाइसिकल अगर हम दो घंटा चलाते हैं तो थक जाएंगे ना ठीक है लेकिन मोटरसाइकिल हम दो घंटा चलाएंगे तो नहीं थकेंगे क्योंकि इसमें फ्यूल और फ्यूल का जो है ना यूज हो रहा है और इसमें हमारे यानि ह्यूमन पावर का यूज हो रहा है ठीक है कंप्यूटर एंड ऑटोमेटिक डिजिटल मशीन कंप्यूटर देखते हैं कैसे डिजिटल मशीन है कंप्यूटर इज मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक मशीन हाउ कैसे इंटेलिजेंट uh, है वो इट परफॉर्म अ वेरायटी ऑफ टास्क ये जो है बहुत सारे टाइप्स के टास्क करते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर निड हमारे जरूरत के अनुसार दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बहुत सारे टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सम कंप्यूटर लार्ज इन साइज वाइल अदर कंप्यूटर है स्मॉलर कुछ कंप्यूटर जो होते हैं वो लार्ज साइज में होते हैं और कुछ जो होते हैं वो छोटे साइज में होते हैं सम कंप्यूटर आर साफ सेयर्ड बाई मैनी पीपुल अदर कंप्यूटर आर पर्सनल कुछ कंप्यूटर जो होते हैं सेयर होते हैं एक दूसरे में और कुछ कंप्यूटर जो होते हैं वो पर्सनल यूज के लिए होते हैं देखिए ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है ये शेयर होता है ठीक है रिच कंप्यूटर कॉमनली एट होम एंड ऑफिस ये कंप्यूटर जो है वो ज़्यादातर ऑफिस और घर में यूज किया जाता है देखिए लैपटॉप टैबलेट स्मार्टफोन दीज आर फॉर पर्सनल यूज ये तीनों जो है लैपटॉप टैबलेट और स्मार्टफोन ये सब पर्सनल यूज के लिए है अब देखिए यूज ऑफ कंप्यूटर चिल्ड्रेन वेयर हैव यू सीन कंप्यूटर टुडे दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस आज हमें कंप्यूटर अपने चारों तरफ देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है जैसे कि स्कूल होम शॉपिंग मॉल बैंक एंड ऑफिस एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन ठीक है अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यूज क्या है चला ये भी देखते हैं स्कूल में आप आइएगा तो लैब जाइएगा ना तो वो क्या हुआ कंप्यूटर का यूज हुआ ना बिलिंग होता है तो वो क्या कंप्यूटर का यूज हुआ ना होम आप कोई मूवी देख रहे हैं लैपटॉप पे तो वो भी कंप्यूटर का यूज हुआ ना शॉपिंग मॉल इसमें बिलिंग के लिए यूज किया जाता है होम सॉरी बैंक ऑफिस बैंक में कस्टमर के रिकॉर्ड रखने के लिए यूज होता है और ऑफिस पर्सनल यूज पर्सनल वर्क के लिए यूज करता है वो एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन पे बुकिंग टिकट के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है ठीक है अब देखते हैं हम हाउ कंप्यूटर हेल्प सब्स देखिए हम कंप्यूटर जो है वह हमारा हेल्प कैसे करता है ऑन अ कंप्यूटर यू कैन डू मैनी थिंग लाइक कंप्यूटर जो है उसके हेल्प से हम बहुत सारे वर्क कर सकते हैं वॉचिंग कार्टून मूवी ठीक है कंप्यूटर्स के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं वॉचिंग कार्टून और मूवी भी देख सकते हैं प्लेइंग गेम लाइक कार रेसिंग छः सी टी सी गेम भी खेल सकते हैं डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैलकुलेशन भी कर सकते हैं टाइपिंग नोट्स एंड स्टोरीज पोएम स्टोरीज पोएम भी हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं ड्राइंग पिक्चर लाइक कार्टून ग्रीटिंग कार्ड ई सी और ड्राइंग भी कर सकते हैं अब देखिए क्या है लिस्टन टू म्यूजिक हम लोग गाना भी सुन सकते हैं ऑर्डरिंग फूड फूड को भी ऑर्डर कर सकते हैं जस्ट लाइक स्विगी डोमिनोज, प्लानिंग आवर हॉलीडेज अगर हमें कहीं जाना है तो उससे वो हॉलीडेज भी प्लानिंग कर सकते हैं टिकट बुकिंग कर सकते हैं इट इज डू ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग भी जैसा कि आप लोग जानते होंगे फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन ये सब ऑनलाइन शॉपिंग में है ना तो ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं देखिए इसमें आपका क्वेश्चन आंसर चैप्टर वन का है इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है और ये ऑब्जेक्टिव है इसे भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा